हम लोग बात करने वाले हैं फिस्टल स्ट्रक्चर की। क्रिप्टोग्राफी में फिस्टल स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। फिस्टल स्ट्रक्चर का यूज DES यानी कि डाटा इंक्रिप्शन टेक्निक्स में होता है। यहाँ पे हमारा मेन मोटिव जो था इंक्रिप्शन का, हम लोगों ने बहुत सारे इंक्रिप्शन टेक्निक्स देखी और यहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो इंक्रिप्शन का था वो था सिक्योरिटी। एंड इस तरह से हमें डाटा को इंक्रिप्ट करना था कि कोई इसको हैक ना कर पाए या कोई इसको प्रिडिक्ट ना कर पाए। तो हम लोगों ने बहुत सारे मेथड देखे, उनमें कुछ ड्रॉबैक्स भी थे और उसकी कुछ बेनिफिट भी थे। तो ये DES जो है, ये फिस्टल स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन टेक्निक है, जिसमें आप जो हैकर्स होते हैं उनको ओरिजिनल डाटा फाइंड करने में काफ़ी दिक्कत होती है, इसीलिए इसका यूज होता है। तो फिस्टल स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है उसी को आज हम लोग समझने वाले हैं। फिस्टल स्ट्रक्चर का यूज चूंकि DES में होता है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं फिस्टल स्ट्रक्चर में ऐसा क्या स्पेशल है कि इसका यूज DES में करते हैं और ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली फिस्टल स्ट्रक्चर में प्लेन टेक्स्ट जो हमारे पास होता है उसको हम पहले दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, टू इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं। यानी कि जो भी हमारा प्लेन टेक्स्ट है उस पहले तो उसके ब्लॉक साइफर या ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे, छोटे छोटे ब्लॉक में। अब उसे हर एक ब्लॉक को हम लोगों को इनक्रिप्ट करना है, तो उस ब्लॉक को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये प्लेन टेक्स्ट जो है, प्लेन टेक्स्ट का एक ब्लॉक है, मान लीजिए 32 बिट का है या 64 बिट का है, जितना भी हम लोग लेना चाहें उस हिसाब से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि मान लीजिए 64 बिट का है तो 32 बिट इस तरफ और 32 बिट इस तरफ, मैसेज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले हिस्से को हम लोग लेफ्ट साइड बोलेंगे, दूसरे हिस्से को राइट। तो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट, R1 एंड L1 एंड R1। अब इसमें क्या है, हम बहुत कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और अगली इसको इनक्रिप्ट करके नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर सेम प्रोसेस अप्लाई करके फिर नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचेंगे। ऐसे बहुत सारे राउंड हम लोग इस इनक्रिप्शन में परफॉर्म करेंगे। तो जितने ज्यादा हम इसमें राउंड यूज करेंगे उतना ही ये स्ट्रांग इनक्रिप्शन होगा। तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे हम लोग लेफ्ट और राइट में इसको सबसे पहले तोड़ते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हिस्सा है और ये हमारा राइट वाला हिस्सा है। अब इस टेक्स्ट मैसेज, ये तो अभी प्लेन टेक्स्ट ही है, लेफ्ट और राइट अगर हम इसको मर्ज कर देंगे तो ओरिजिनल मैसेज मिल जाएगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, इस लेफ्ट राइट वाले को नेक्स्ट राउंड के लिए लेफ्ट बना देते हैं। यानी कि राइट वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और लेफ्ट वाले को राइट ना बना के इसमें हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशन क्या होता है कि लेफ्ट वाला राइट तो बनेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट दोनों ऐड होंगे। यानी कि यहां पे हमारा लेफ्ट यहां आएगा, लेफ्ट और राइट किसी फंक्शन के थ्रू इस फंक्शन से इनक्रिप्ट होते हुए राइट में जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये फंक्शन है और इसमें क्या होगा, कोई की से इसको लॉक करेंगे। यानी कि एक हिस्से को, एक हिस्सा एज इट इज राइट में, लेफ्ट वाला जो राइट वाला है वो लेफ्ट में आ जाएगा, और लेफ्ट वाले में हम क्या करेंगे, इस की की मदद से इस फंक्शन से आर और इस फंक्शन को आर और लेफ्ट और राइट को इस की मदद से ऐड करके यहाँ पे राइट वाला फंक्शन ऐड करेंगे। अब ये फंक्शन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हमारा लेफ्ट वाला मैसेज, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले ले रहा हूँ, लेफ्ट वाला मैसेज है 1101 और राइट वाला मैसेज है 1001। तो हम इसको मॉड टू ऐड भी कर सकते हैं, इसको ऐड करके ले लिया, इसको सब्ट्रैक्ट करके ले लिया, इसमें कोई मॉड ऑपरेशन, जैसे 0011 है तो यहाँ 0000 है तो 010 ऑड है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। इस तरह से हम मैसेज को कोई भी टेक्निक, यहाँ पे ये फंक्शन से, यहाँ मतलब है कि हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक लगा के इस लेफ्ट और राइट को परफॉर्म करेंगे और यहाँ पे इस फंक्शन में R2 पे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी ये डायग्राम इस तरफ बना रहता है, कभी कभी इस तरफ बना रहता है, तो वो दोनों ही ऑपरेशन सेम है। तो इसीलिए मैं एक बार इसको यहाँ बना रहा हूँ, अगली बार यहाँ बना रहा हूँ, लेकिन जब आप एग्जाम में बनाएंगे तो सिर्फ एक ही तरफ बनाएंगे, या तो इस तरफ या फिर इस तरफ। मैं दोनों तरफ बना दे रहा हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना रहे कि ये इस तरफ बनता है या इस तरफ, आप किसी भी तरह बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये ऑपरेशन अगली बार में वर्क करेगा। तो देखिए अगली बार में मैं इसको इस तरह बना रहा हूँ, लेकिन उसका मतलब ही रहेगा। अब क्या होगा, ये नेक्स्ट राउंड पे आ गया। अब नेक्स्ट राउंड पे ये R2 ऐसे ही R3 R4 R5 यानी कि राउंड बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे लेफ्ट और राइट एक्सचेंज होते जाएंगे। अगली बार में क्या होगा, ये वाला राइट यहाँ लेफ्ट में चला जाएगा सीधे सीधे। यहाँ पे मैं डॉट डॉट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ के बीच वाली स्टेप मैंने सारी बंद कर दिया, R2 से सीधे RN पे लगा रखा है, यानी कि बीच में बहुत सारी स्टेप्स होंगी, तो हम एक स्टेप जैसी है वैसे ही सारी स्टेप रहेंगी यहाँ पे। तो देखिए अब हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे ये कन्फ्यूजन ये रहता है कि ये हम लोग सोचते हैं कि राइट वाला सीधे सीधे लेफ्ट में चला जा रहा है, यानी कि लेफ्ट वाले में कोई इंक्रिप्शन परफॉर्म ही नहीं हो रहा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए हो क्या रहा था कि यहाँ पे इंक्रिप्शन,
इंक्रिप्शन एल और आर का इंक्रिप्शन परफॉर्म होने के बाद राइट आर टू बना था, और आर टू फिर एल थ्री में गया है, तो एल थ्री ऑलरेडी कन्वर्ट होके गया है, और यहाँ लेफ्ट वाला राइट में तो कन्वर्ट हो ही रहा है। तो इस तरह से हर एक राउंड में इसमें इंक्रिप्शन बढ़ता जा रहा है, और इस ये इतना ज्यादा हार्ड होता जा रहा है कि कोई भी बीच वाला यानी कि कोई भी हैकर या थर्ड पार्टी इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं तो व्हाट्सएप पे लिखा होता है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन, योर मैसेज आर एंड टू एंड इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन यानी कि आप और आप जिसको भेजा है उसके अलावा कोई भी उस मैसेज को नहीं पढ़ सकता। इनफैक्ट व्हाट्सएप का जो डेवलपर है वो भी उस मैसेज को नहीं पढ़ सकता जो आपने मैसेज भेजा है। तो उसमें क्या होता है कि यही होता है कि हम उसको इस तरह से इनक्रिप्ट कर देते हैं कि वो बीच में कोई उसको पढ़ नहीं सकता। लास्ट में जाके व्हाट्सएप में डीईएस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो कई लोगों को कन्फ्यूजन ये हो जाता है, मैं जनरली एग्जाम्पल देता हूँ तो जनरली लोग सोच लेते हैं कि जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो एग्जाम्पल में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप में डीईएस यूज होता है, उसमें दूसरी इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी यूज होती है, लेकिन इंक्रिप्शन का यहाँ पे हमारा मकसद ये है कि हमारे बीच में कोई और बंदा इसको रीड ना कर सके। तो इसमें हम क्या करते हैं, इतने सारे राउंड लगा देते हैं, ये 16 राउंड हुए, 64 राउंड हुए, इस तरह से हम राउंड इसको लगा देते हैं ताकि इंक्रिप्शन बहुत ही मुश्किल हो जाए। अब देखिए, अब ये इसी डायग्राम को अगर इस तरह बना दिया जाए तो ये देखने में अजीब अलग लगेगा, लेकिन दोनों का मतलब सेम ही है। देखिए अब क्या हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, यहां पे हमारा क्या है प्लस, ये इस तरह से, और ये राइट वाला जो आया यहाँ पे, या इसको चाहे तो आप अलग से डायग्राम बना सकते हैं या इसी से निकाल के ले जा सकते हैं, तो मैं इसको अलग से बना दे रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दो अलग अलग चीजें हैं, चाहे तो आप इसी को आगे ऐड कर दीजिए, तो यहां पे फंक्शन के साथ इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है, चाहे तो आप यहां से ऐड कर दीजिए या डायरेक्ट यहां से, या चाहे आपको इसको यहां से, यहां पे आप चाहे तो ये वाला बनाइए चाहे ये वाला, दोनों एक ही है। अब देखिए इसमें हो क्या रहा था, लेफ्ट डायरेक्टली प्लस के साथ जा रहा था और राइट फंक्शन के थ्रू होके जा रहा था। देखिए राइट फंक्शन के थ्रू लेफ्ट में जा रहा है और ये लेफ्ट डायरेक्ट यहाँ प्लस में जा रहा है, उसके बाद ये कहाँ चला जाएगा, राइट में, यहाँ पे डॉट डॉट रहेगा। डॉट डॉट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपके राउंड बीच में छोड़ दिए गए हैं। जैसे एन लिखा है, एन का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए 60 राउंड है तो ये लास्ट राउंड है, तो इस तरह से हमारा फिस्टल स्ट्रक्चर वर्क कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, की है। अब ये की यहाँ पे से क्या मतलब है, की में हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया कि यहाँ पे अगर हमारे पास दो मैसेज हैं तो या तो हम उसको समेशन कर दें या मॉड टू एडिशन कर दें, या फिर उसमें क्या कर दें, एक्स ऑल लगा दें, एंड लगा दें, ऑल लगा दें, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो उसके हिसाब से हम इसमें जो भी टेक्नोलॉजी लगाना चाहते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम लॉजिक की बात कर रहे हैं, फिस्टल स्ट्रक्चर एक लॉजिक है जिसमें क्या कहते हैं, जनरली टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर उसको इंटरचेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी इनक्रिप्शन मेथोलॉजी। यहाँ पे कोई इनक्रिप्शन मेथोलॉजी यहाँ पे लगा देंगे और इसको एक्सचेंज कर देंगे। कई बुक्स में क्या है कि इसका उल्टा भी दिया है, तो वो भी सेम ही है। हमारा यहाँ पे मेन मकसद क्या है कि लेफ्ट और राइट में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर लेफ्ट वाले को राइट और राइट वाले को लेफ्ट। अब कई जगह क्या है कि यहाँ पे लेफ्ट की जगह राइट में यहाँ पे इंक्रिप्शन लिखा हुआ है, जैसे कि इसमें लिखा है, तो दोनों का मतलब देखिए सेम ही है। चाहे आप यहाँ ले जाके यहाँ पे, चूंकि ये तो सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इंटरनली काम तो सेम ही हो रहा है, चाहे यहाँ से यहाँ पे ऐड करिए चाहे यहाँ पे ऐड करिए, यानी कि एक बात इसको इस तरह से समझ लीजिए कि यहाँ पे करंट अगर फ्लो हो रहा है तो चाहे वायर यहाँ से लेके यहाँ ले जाइए चाहे यहाँ से लेके यहाँ ले जाइए, बात तो सेम ही रहेगी। तो ये स्ट्रक्चर देखने में अलग लग रहा है कि ये अलग है ये अलग है, लेकिन बेसिकली दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है। इस तरह से ये हमारा इंक्रिप्शन परफॉर्म होके ये राउंड खत्म होने के बाद लास्ट में ये रोटेट होने के बाद यहाँ पे हमारा जो फाइनल मैसेज यहाँ पे मिलता है, इस तरह से हमारे ये जो लास्ट आंसर है इसको रोटेट कर देंगे, यानी कि राइट इधर लिख देंगे लेफ्ट इधर लिख देंगे, और वो हमारा इनक्रिप्टेड मेथड है। तो इसको अगर हम फॉर्मूले में ड्राइव करें तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है, यहाँ पे हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि जो हमारा एल आई प्लस वन है, एल आई प्लस वन यानी कि नेक्स्ट स्टेज का लेफ्ट वाला, यानी कि जैसे एल वन तो हमें पता है, एल आर वन भी पता है, हमें एल टू निकालना है, तो आई की वैल्यू कितनी रख देंगे, वन, तो एल टू निकल आएगा। एल टू क्या आएगा, देखिए सीधे सीधे जो आर वन है वही एल टू है, यानी कि आर आई, यानी कि हर बार लेफ्ट जो है जो प्रीवियस आर था वो एल बन जाएगा। दूसरा आर आई प्लस वन कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें आर वन तो पता है, आर टू निकालना है, तो वन रखेंगे तो टू निकलेगा, टू रखेंगे तो थ्री निकलेगा, इस तरह से। तो आर आई प्लस वन क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे यहाँ पे आ जाएगा, देखिए इसी से यहाँ फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला जनरली लोग याद नहीं कर पाते। देखिए एल आई यानी कि एल प्रीवियस एल
प्लस इसमें ऐड हो रहा है। अब ये प्लस ना है यहाँ पे लगा के हम इस तरह से इसको लगाते हैं, ये बाइनरी ऑपरेशन होता है कि इस ये प्लस नहीं है, इसकी जगह बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं या बहुत सारी मेथोलॉजी हो सकती है, ये कोई एक ऑपरेशन है। उसमें क्या है, अभी फंक्शन में ऐड हो रहा है तो एफ देखिए आर आई, क्योंकि आर आई यानी कि आर प्रीवियस आर और के, इसमें की के आई, यहाँ पे के आई लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट के लिख सकते हैं। ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला लोगों को याद नहीं होता है और इसी वजह से ये लोग क्या करते हैं, डायग्राम तो बना देते हैं फॉर्मूला नहीं लिखते, जिससे उन्हें मार्किंग में कम मार्क्स मिलते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला देखिए कितना आसान है, आपको करना क्या है एल आई प्लस वन, यानी कि नेक्स्ट एल क्या होगा तो वो प्रीवियस आर होगा, तो यानी कि आई माइनस वन कर देंगे, आई प्लस वन था तो यहाँ पे एक कम करेंगे तो आई आ जाएगा। ऐसे ही आर आई प्लस वन है तो इसको ऐसे ही सेम यहाँ पे क्या है कि प्रीवियस एल, प्रीवियस एल तो एल प्लस प्लस और आर, लेकिन आर के बाद आर किससे ऐड होके आ रहा है फंक्शन से, तो उस फंक्शन में आर आई और के इन दोनों को यहाँ पे मर्ज कर दिया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बिल्कुल आसानी से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो इस तरह से बनाने में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। देखिए हो क्या रहा है, देखिए आर आई आर तो एन में जा रहा है, सॉरी आर तो एल में जा रहा है, ये वाली बात तो सीधे सीधे सिंपल है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, आर और की फंक्शन के थ्रू ऐड हो रही है, तो इस फंक्शन के थ्रू आर और की ऐड हो गई। उसके बाद क्या हो रहा है, ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है एल में और जो रिजल्ट आया ये रिजल्ट क्या आया, ये वाला और प्लस ये वाला, इस तरह से हमारा इनक्रिप्शन परफॉर्म होता है। अब डिक्रिप्शन क्या होगा, तो इसका रिवर्स होगा, तो यहाँ इसी डायग्राम को अगर हम रिवर्सली ड्रॉ करते जाए तो वो हमारा रिवर्स का आंसर आ जाएगा, लेकिन हम इसको सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर हम डिक्रिप्शन, ये तो इनक्रिप्शन था, इनक्रिप्शन अगर डिक्रिप्शन करना है तो, डिक्रिप्शन करना है तो इसके रिवर्स में फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सबसे पहले आर आई ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें आर आई फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पे एल आई की बात हो रही थी तो यहाँ पे आर आई यानी कि राइट हैंड में आ जाएगा एल आई प्लस वन, यहाँ पे प्लस वन क्यों, क्योंकि नीचे से चल रहा है, यहाँ पे देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है, जैसे आर एन है तो वो सॉरी एल एन है यानी कि एल टू है तो वो आर वन में जा रहा है, तो एल टू आर वन में जा रहा है, यानी कि आई की जगह अगर हम वन रखेंगे तो एल टू आर वन में जा रहा है, यानी कि जस्ट उल्टा हो रहा है, लेकिन ये नीचे से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हम आई की वैल्यू मैक्सिमम से स्टार्ट करेंगे, फिर एल आई सॉरी एल आई क्या हो जाएगा, एल आई यहाँ पे होगा आपका आर आई माइनस वन सॉरी आर आई प्लस वन, और यहाँ पे ऑपरेशन सेम ऑपरेशन एफ एल आई सॉरी एल आई कॉमा के आई। देखिए यहाँ पे बस इसका रिवर्स हो रहा है, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये फॉर्मूले लिखेंगे उसके बाद आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। जनरली क्या होता है कि हम लोग फिस्टल स्ट्रक्चर आता है तो हम लोग फिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये सबको याद रहता है, या फिर थोड़ा बहुत गलत भी हो जाता है तो उस पर इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं किया जाता, लेकिन हम लोग ये लिखना भूल जाते हैं और इससे क्या होता है हमारे मार्क्स जो होते हैं कम होते हैं, हमें लगता है कि इतने कम मार्क्स तो आने नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमारा मेन लॉजिक यहाँ पे लिखेंगे हम इस तरह से, और उसको फिर यहाँ पे आप इनक्रिप्शन का फॉर्मूला लिख दीजिए और डिक्रिप्शन का फॉर्मूला लिख दीजिए। इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, प्लस जो कुछ भी मैंने आपको बोला है उसको थ्योरी में इंक्लूड कर दीजिए इनके बीच बीच में, यानी कि फिस्टल स्ट्रक्चर बनने से पहले उसकी डेफिनेशन की फिस्टल स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, फिर उसके इसको लिखने से पहले यहाँ पे बताना होता है कि हर एक राउंड में ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है, उसके बाद डिक्रिप्शन में इसका रिवर्स प्रोसेस होता है, ये सब लिख के आपको इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डीईएस यानी कि डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे, जिसमें इसी फिस्टल स्ट्रक्चर का यूज हो रहा है। तो फिस्टल स्ट्रक्चर जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ फिस्टल स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन या ड्रॉ द फिस्टल स्ट्रक्चर डायग्राम फॉर इनक्रिप्शन टेक्निक्स एंड आल्सो राइट द फॉर्मूला, इस टाइप से क्वेश्चन आता है, तो आपको ये पूरा डायग्राम बनाना है। अगर आपको सिंपल फिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में लिखने को शॉर्ट नोट भी आता है तो आपको ये डायग्राम और ये कम से कम पहले वाले फॉर्मूले जरूर लिखने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे DES के बारे में, और आपको अगर कोई डाउट है फिस्टल स्ट्रक्चर से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और
बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म की लिंक मिलेगी, उस फॉर्म को फिल कर दीजिए ताकि मुझे जो डिटेल्स की ज़रूरत है आप लोगों की वो डिटेल्स मिल सके, ताकि मैं अपने वीडियोज को उस तरीके से इम्प्रूव कर सकूं। तो नीचे जो फॉर्म मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म की लिंक दी हुई है, उस फॉर्म को ज़रूर फिल कर दीजिए। और अगर आपका कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट के थ्रू बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।